हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े तीसरे प्राइवेट सेक्टर के बैंक की, जिसका नाम है ICICI बैंक। ICICI बैंक कैसा बैंक है, आपको इस बैंक में खाता खुलवाना चाहिए कि नहीं खुलवाना चाहिए, इसमें कौन कौन से खाते खुलते हैं, क्या उनके चार्ज होते हैं, उसमें कितना मिनिमम बैलेंस रखना होता है, क्या कोई जीरो बैलेंस खाता है, ग्रामीण क्षेत्र वाले लोग इस बैंक में खाता कैसे खुलवाएंगे, ऐसे बहुत सारे आपके क्वेश्चन होंगे। मैं सारे के सारे क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो आपका फिर से स्वागत है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार की जानकारी हम समय समय पर आपको लाते रहते हैं। तो अगर बात करते हैं ICICI बैंक की, तो ICICI बैंक प्राइवेट सेक्टर का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। और हम आपको बता दें कि इंडिया में ही नहीं, ICICI बैंक 19 देशों में फैला हुआ है। इंडिया में ICICI बैंक की 2883 शाखाएं हैं और इंडिया में ICICI बैंक के 10,021 ATM हैं। 2023 का ये आंकड़ा है। अब प्राइवेट सेक्टर की बैंक का नाम आता है तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि प्राइवेट बैंक है, हम अगर इसमें खाता खुलवा लेते हैं और हम अगर इसमें अपना बैलेंस रखते हैं अपने अकाउंट में, कल के दिन अगर बैंक डूब गया, बैंक भाग गया, तो हमारा पैसा कहाँ जाएगा, कौन देगा, बहुत सारे ऐसे डाउट होते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप जब किसी बैंक में खाता खुलवाते हो और अगर वो बैंक DICGC से अप्रूव है, DICGC क्या है, ये RBI की एक सब्सिडी बॉडी है जिसमें आप लोगों को एक आपके अकाउंट पर रखे पैसे की गारंटी देती है। जैसे ICICI बैंक DICGC से अप्रूव है और यहाँ पर अगर आप अपना बैलेंस रखते हो, अपने खाते में पैसा रखते हो और कल के दिन मान लीजिए ICICI बैंक भाग जाता है, डूब जाता है, वैसे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि इतना बड़ा बैंक है, तीसरे नंबर का भारत का सबसे बड़ा, तो आप लोगों को यहाँ पर टेंशन नहीं लेना, फिर भी जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कल के दिन बैंक डूब गया, बैंक के साथ कुछ हो गया, भाग गया, तो यहाँ पर RBI की जो सब्सिडी बॉडी है DICGC, इस आपके अकाउंट पर 5 लाख रुपए तक की गारंटी लेती है। RBI आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट वापस आपको कराएगी। और ये जो आपका 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस गारंटी का बीमा है, ये आपको प्राइवेट बैंक पर मिलता है और सरकारी बैंक पर मिलता है, चाहे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, चाहे वो कोई पेमेंट बैंक हो, मतलब जो RBI से रजिस्टर्ड बैंक है, सब पर यही कंडीशन लागू होती है। तो आप लोगों को ये भ्रम नहीं होना चाहिए तो कि सरकारी बैंक है उसमें हमारा ज्यादा पैसा सेफ है, प्राइवेट बैंक है हमारा पैसा कम सेफ है, दोनों ही बैंकों में आप लोगों का पैसा बिल्कुल बराबर सेफ होता है। अब बात करते हैं कि अगर आप ICICI बैंक में खाता खुलवाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को कौन कौन से खाते मिलते हैं और कितना मिनिमम बैलेंस रखना होता है। देखिए, ICICI बैंक में बेसिकली आप लोगों का प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, सर्विसेज बहुत अच्छी है इसकी, तो यहाँ पर जो अकाउंट ओपन होते हैं वो मिनिमम बैलेंस से होते हैं। तो यहाँ पर जो कई प्रकार के खाते हैं वैसे तो इसमें, लेकिन अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो अपना खाता तो आप यहाँ पर 10,000 रुपये से खाता खुलवा सकते हो। आप अपने अकाउंट में 10,000 रुपये मेंटेन करके चलोगे तो आपका खाता खुल जाएगा। ये जो क्राइटेरिया है ये शहर के लिए है, लेकिन अगर आपका ग्रामीण क्षेत्र है, थोड़ा सा कम शहर है, तो यहाँ पर आप लोगों का इसी अकाउंट पर जो सेविंग अकाउंट है इनका, यहाँ पर 5,000 रुपये अगर आप रखोगे तब भी चलेगा। लेकिन खाता खोलने से पहले आप लोग अपनी ब्रांच से जरूर कंफर्म कर लें कि हमारे लिए कितना बैलेंस इसमें रखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर जो लोग जीरो बैलेंस खाता खुलवाना चाहते हैं ICICI बैंक में, तो जीरो बैलेंस खाता यहाँ पर आप दो प्रकार से खुलवा सकते हो। नंबर एक, कि अगर आप कहीं पर जॉब करते हो, आपकी पेमेंट अगर आती है अपने अकाउंट में 10,000 रुपये से ऊपर पेमेंट आती है, तो आप अपना एक सैलरी अकाउंट खुलवाइएगा ICICI बैंक में, जिसमें आपका जीरो बैलेंस रहेगा, कोई यहाँ पर मिनिमम बैलेंस रखने का क्राइटेरिया नहीं होता है, केवल बस आपकी हर महीने उसमें सैलरी आनी चाहिए और आपका अकाउंट जीरो बैलेंस रहेगा। आज आपकी सैलरी आई, कल आप उसे पूरी निकाल लें, एक घंटे बाद निकाल लें, कोई इससे मतलब नहीं है, आपका जो अकाउंट है वो बिल्कुल जीरो बैलेंस रहेगा। इसके अलावा अगर जिसकी सैलरी नहीं आती है और फिर भी ICICI बैंक में खाता खुलवाना चाहता है, तो उसके लिए यहाँ पर जनधन योजना के अंतर्गत आने वाला खाता खुलवाना होगा। जनधन योजना का जो खाता है वो लगभग हर बैंक में खुलता है, तो ICICI बैंक में भी आपको ये खाता मिल जाएगा, यहाँ पर आप ये खाता खुलवा सकते हो, जिसमें किसी प्रकार कोई मिनिमम बैलेंस नहीं रखना होता है और आपका ये खाता लाइफ टाइम के लिए एक जीरो बैलेंस खाता होता है। और इसमें मैंने जो सारे के सारे जो आपको अकाउंट बताए हैं, इन सब अकाउंट पर आपको चेकबुक मिलती है, चेकबुक का कोई चार्ज नहीं होता है, ICICI बैंक में फ्री आप चेकबुक ले सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ATM कार्ड की,
तो ATM यहां पर आपको अलग अलग प्रकार के मिलते हैं, कुछ फ्री होते हैं और कुछ चार्ज वाले होते हैं। अब जो सा ATM कार्ड आप लोगे उस प्रकार से आपको चार्ज देना होता है। जैसे कि मेरा सैलरी अकाउंट खुला है ICICI बैंक में, तो यहां पर एक प्लेटिनम कार्ड आता है जिसका कोई चार्ज नहीं है, यानी कि फ्री चार्ज, बिल्कुल ATM फ्री है, ना उसका एनुअल फीस है और ना उसका कोई ज्वाइनिंग फीस है। इस प्रकार के ATM आते हैं अलग अलग अकाउंट पर। और यहां पर एक और ATM कार्ड आता है डेबिट कार्ड, जिसका ₹590 ज्वाइनिंग फीस है और एनुअल फीस भी आपको पे करना होता है। लेकिन जो चार्ज वाले डेबिट कार्ड होते हैं उन पर आप लोगों को बेनिफिट मिलते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर डिस्काउंट एंड कैशबैक वगैरह मिलता रहता है। तो हर यूजर्स अपने अपने हिसाब से यहां पर डेबिट कार्ड लेता है, तो जो भी आप डेबिट कार्ड लेंगे तो वहां पर आपको वो मिल जाएगा। इसके अलावा ICICI बैंक में आप पासबुक भी ले सकते हो। कई सारी ऐसी बैंक हैं जो पासबुक नहीं देती हैं आपको प्राइवेट सेक्टर की, लेकिन यहां पर आपको पासबुक भी दी जाती है, तो ब्रांच से आप अपनी पासबुक भी ले सकते हो। एक और सबसे बढ़िया यहां पर पॉइंट है ICICI बैंक का, यहां पर आपकी कोई होम ब्रांच नहीं होती है। आपका एक जगह खाता खुल गया, मान लीजिए कोई सी भी इंडिया में कहीं पर भी, अब आप अपने ICICI बैंक के किसी भी नजदीक शाखा में जाइएगा, आपका वो सारा काम हो जाएगा जो आपकी होम ब्रांच में होता है। मतलब यहां पर आपकी सारी ब्रांचें होम ब्रांच होती हैं, आपका अकाउंट कहीं भी खुला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा ICICI बैंक में अगर आपको कोई काम पड़ता है, कभी आप जाते हैं, तो आपको एक अलग ही यहां पर पहचान मिलेगी। बेकायदा आप लोग को बिल्कुल कुर्सी पर बैठा करके और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, फेस टू फेस यहां पर आपकी हेल्प होती है। जितनी भी ICICI बैंक की ब्रांच हैं बिल्कुल काफी अच्छा सर्विसेज है, तो यहां पर ब्रांच है तो आपको कोई प्रॉब्लम्स होने वाली है नहीं। इसके अलावा इनका एक एप्लीकेशन है आई मोबाइल, जिसकी मदद से आप सारी बैंकिंग का लाभ ले सकते हो घर बैठे ही, आपको कहीं पर जाने की जरूरत होती ही नहीं है। वैसे यहां पर सारे के सारे आपके काम हो जाते हैं। इसके अलावा इनकी नेट बैंकिंग आप यूज कर सकते हो, वहां पर आपको सारी की सारी सर्विस मिल जाएगी। और ICICI बैंक का हेल्पलाइन नंबर भी आप लोगों को आपके डेबिट कार्ड के बीच मिल जाएगा, जो कि 24/7 आपको सपोर्ट के लिए होता है। आप कभी भी यहां पर कॉल कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम का समाधान करा सकते हो। तो हम बात करते हैं फाइनली कि आपको इस बैंक में खाता खुलवाना चाहिए या नहीं खुलवाना चाहिए। देखिए प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, बहुत बढ़िया बैंक है, पर्सनल मेरा खुद खाता है इस बैंक में, तो मेरा अभी तक का जो एक्सपीरियंस है यहां पर यह है कि आपको खाता इसमें खुलवाना चाहिए। लेकिन किन लोगों को खुलवाना चाहिए? जो लोग सैलरीड पर्सन है या फिर कुछ लोग बिजनेस करते हैं, क्योंकि यहां पर अगर आप जीरो बैलेंस खाता खुलवाने के लिए जाओगे तो ब्रांच में जीरो बैलेंस खाता बहुत कम खुलते हैं, क्योंकि इन पर बैंकों को प्रॉफिट नहीं होता है। तो अगर आपका कोई जीरो बैलेंस खाता खुल रहा है ICICI बैंक में तो आप खुलवा दीजिएगा। इसके अलावा आपकी अगर कहीं पेमेंट आती है, आप जॉब करते हो तो आप खुलवा लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत बढ़िया बैंक है। अगर आपका बिजनेस है तो आप यहां पर करंट अकाउंट खुलवा लीजिएगा, करंट अकाउंट यहां पर खुलते हैं, यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत बढ़िया यहां पर सर्विस मिलेगा। इसके अलावा अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आप लोगों को कभी कभार कोई काम पड़ता है बैंक में, इसके अलावा आप लोगों के आसपास क्षेत्र में ब्रांच नहीं है ICICI बैंक का, तो आप इस बैंक में खाता मत खुलवाइएगा, क्योंकि यहां पर आप लोगों को जीरो बैलेंस खाता नहीं मिलता है लगभग, और यहां पर आपका जो एक जीरो बैलेंस खाता मिलता है वो इतना खुलता नहीं है। इसलिए आप लोगों को यहां पर मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा। अगर आप मिनिमम बैलेंस रख सकते हैं तभी आप इसमें खाता खुलवाइएगा, अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं रख पाएंगे तो फिर क्या होगा कि यहां पर आपको चार्ज देना पड़ेगा, नॉन मेंटेनेंस का चार्ज लगेगा, जिसमें आप लोगों को ₹590 प्लस GST फिक्स एक चार्ज, चाहे आपका ₹1 नॉन मेंटेनेंस रहता है तब भी आपको यहां पर जो है ₹590 का चार्ज लगता है, उसके अलावा फिर चार्ज लग जाता है आगे। और अगर आप यहां पर बैलेंस नहीं रखते हो तो आपका खाता यहां पर माइनस में हो जाएगा, इस प्रकार से आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बाद में। तो आप अगर मिनिमम बैलेंस रख सकते हो या फिर आपकी सैलरी आती है या आप बिजनेस करते हो आप या फिर आपको जीरो बैलेंस खाता मिल रहा है तभी इस बैंक में आप खाता खुलवाएं। उम्मीद करता हूं कि ICICI बैंक के सारे क्वेश्चन एंड डाउट आप लोगों को मैंने क्लियर कर दिए होंगे, और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो कमेंट करिएगा, आने वाले वीडियो में उसको कवर करेंगे। मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में।